कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हर बार तुम सरप्राइज देते थे, आज हमने तुम्हें सरप्राइज दे दिया। सच बताऊं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तो मैं छुप छुप के आया। वैसे ये आइडिया तुम लोगों के दिमाग में आया कैसे? एक्चुअली ये आइडिया सिर्फ मेरा नहीं, रुचि भाभी का भी था। सारी तैयारियां इन्होंने ही की है। अरे भाभी जी, थोड़ा मेरा भी क्रेडिट दे दीजिए, ये लाइट ऑन ऑफ करने का काम मैंने ही तो किया है। अच्छा बस बस, बहुत बातें हो गई, चलिए जल्दी से केक कट कर लीजिए, है ना? हैप्पी एनिवर्सरी, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू माय लव। चलिए अब आप लोग एंजॉय करिए और हम लोग चलते हैं, ठीक है? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सरप्राइज तो मेरे पास भी है तुम्हारे लिए, चलो देता हूँ। चलो अपनी आंखें बंद करो। तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? हाँ, और नहीं तो क्या। छोड़ो मुझे। रुको तो सही, क्या है? एक सेकंड। अब ये क्या है? वाओ, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? हाँ। पर ये तो बहुत महंगा होगा ना? तुम्हारे सामने कुछ भी महंगा नहीं, मेरा बस चले ना तो तुम्हारे कदमों में चांद सितारे आसमान सब कुछ। बस भी कर गुड्डू, रुलाएगा क्या? हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू माय लव। बाय द वे, ये गुड्डू कौन? गुड्डू मैंने तुम्हें प्यार से बुलाया। प्यार बोलने की चीज नहीं, प्यार तो करने की चीज होती है। क्या है बाबा, रुको जरा। अब क्या हो गया? एक मिनट। ये लो। लोन? हाँ पियो तो। ठीक है, पी लेता। नहीं प्रीति, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, हो जाए। इतनी जल्दी? अरे इतनी जल्दी से क्या मतलब है? आज तो कम से कम मेरे लिए। मैं सच में थक गया हूँ यार, मुझे सोने दो। और आज हमारी सुहागरात नहीं है कि ये सब करना जरूरी है, बाद में भी किया जा सकता है। तुम्हारे इसी बात बात के चक्कर में मैं आज तक 3 साल से माँ नहीं बन पाई हूँ। क्या तुम्हारा कभी मन नहीं होता कि हमारा भी एक बच्चा हो? मन करने से क्या होता है, जब होना होगा हो जाएगा। मन से कुछ नहीं होता, मुझे तो लगता है कि तुमसे। मतलब क्या है तुम्हारा, कि मेरे अंदर कोई कमी है? अगर इतनी गर्मी है ना तो किसी और को ढूंढ लो जाके। क्या है ये? छोड़ो मुझे, मुझे नहीं पसंद है ये सब। पति होने के नाते मेरा ये भी फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। पति के कुछ फर्ज भी होते हैं, लेकिन वो फर्ज तुम्हें याद नहीं रहते। पर हाँ, अपना हक जरूर याद रहता है। मुझे कितने साल से शौक है एक बच्चे का, तुम्हारा मन नहीं करता माँ बनने का? मन करने से क्या होता है, पहले इस लायक बन जाओ। कोई नौकरी है तुम्हारे पास? बोलो, है कोई जॉब? 4 महीने में 4 जॉब छोड़ चुके हो। वो तो भला हो गौरव भाई साहब का और प्रीति भाभी का, जो हमसे 4 महीने से घर का किराया नहीं मांगा है। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है।
प्रीति, सो आ ही गई तुम? आना तो था ही। जो तो लग रहा था कि आज तुम आ ही नहीं पाओगे। ऐसा कभी हो सकता है भला? वो क्या है ना बेबी, आज दूध ने अपना असर थोड़ी देर से दिखाया। ओ ऐसा, इसलिए आज मैडम को आने में देर हो गई। हाँ बहुत मस कर रही थी मैं तुमको। मिस तो मैं भी तुम्हें कर रही थी। अच्छा, वैसे आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ तुम्हारी तरह। आई लव यू प्रीति। आई लव यू टू माई स्वीट हार्ट। अरे यार इतनी छोटी बात पे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? रहने भी दो यार, छोड़ो। अरे यार दिनेश, रोज की आदत है इनकी, कुछ ना बोलो तो सर पे चढ़ जाते हैं ऐसे लोग। क्या सर पे चढ़ जाते? औकात में रह बेटा, औकात में, नहीं तो किसी दिन गायब हो जाएगा, पता नहीं मिलेगा, समझा दो इसको। छोड़ो, क्यों इनके मुंह लग रहे हो? अरे भाई साहब जाने दीजिए ना, अब आप भी लड़ेंगे तो आप में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? देख लूंगा, बता रहा हूँ मैं। चल चल निकल, लेके जाओ। बात करने आए हैं, आते हैं सर। प्रीति, मेरी बात सुन। प्रीति सुन ना। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। अच्छा बाबा, शांत शांत हो जाओ। इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ, इतना कि जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपने उस पति से ज्यादा प्यार है। प्रीति, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे तो वो सब बस मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी? हाँ बाबा मजबूरी, ताकि उसे हम पे शक ना हो। और मैं ये सब इसलिए करती हूँ ताकि मैं उसे मना सकूँ कि वो कहीं दूर जाके काम करने लगे और फिर हम दोनों एक साथ प्यार से रह सके। I'm sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा। It's okay. अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि तुम मुझसे बेवफाई ना कर दो। अरे प्रीति कैसी बात करती हो? हाँ, एक औरत एक मर्द के साथ बेवफाई कर सकती है और एक मर्द एक औरत के साथ, पर क्या तुमने कभी सुना है कि एक औरत ने एक औरत के साथ बेवफाई की है? हाँ? I love you. I love you too, darling.
आपने अपने पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ना? हाँ, कुछ पता चला क्या? हाँ, एक लाश मिली है। आप आइए हमारे साथ। गौरव, गौरव, संभालिए इनको। अभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जानी है। आपको किसी पर शक है? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये काम हमारे उस पड़ोसी राहुल का है। रोज झगड़ता था वो गौरव से, आज सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था। आप अपना बयान दर्ज करवा दीजिए, मैं उसके नाम का वारंट निकलवाता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति, उनका कुछ पता चला? उनको भी तो गायब हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही पता लगा लेंगे। प्लीज जल्दी पता करिए। ठीक है। क्यों मारा उसको? मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। जान से मारने की धमकी तूने दी और मारेगा कोई और? नहीं साहब, वो तो उस दिन बस मैं उसे डराने के लिए बोल दिया था साहब। मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब। देखता हूँ कब तक तू नहीं कबूलता है। ए, उगलवा रहा इससे। बताएगा या डंडा खाएगा? अरे नहीं मारा सा। जरूरी नहीं जो दिखाई दे वही सच हो। हाँ, वो आधा सच हो सकता है, पूरा सच नहीं हो सकता। नहीं समझे आप लोग? मैं समझाता हूं। ये देखिए, रुचि भाभी घर पे है क्या? नहीं, वो तो बाहर गई है। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? ऐसी बदतमीजी करने का मौका बहुत दिनों बाद मिला है। वो क्या है ना, सब्र का फल मीठा होता है। सालों से इंतजार कर रहा था, मुझे तो लगता था तुम्हें मेरी बीबी से ही प्यार है। ऐसा सोचना भी मत। वो क्या है ना, मुझे तो ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। और हाँ, गौरव या रुचि में से हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, अब मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। हमने गौरव और दिनेश के लोकेशन को ट्रेस किया तो पता चला कि 2 दिन पहले से ही ये दोनों एक ही लोकेशन पर थे। और फिर जब हमने उस जगह की छानबीन की तो हमें दिनेश की जली हुई लाश उस जगह पर मिली। गौरव को आपके और दिनेश के बारे में पता चल चुका था और उसने ही दिनेश को मार डाला। लेकिन उसकी किस्मत भी बुरी थी और उसी दिन वो अपने पड़ोसी के हाथ मारा गया। गौरव को उसके किए की सजा तो किस्मत ने दे दी, उसके पड़ोसी राहुल को
कानून जरूर सजा देगा। अब आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाया जाएगा।